जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आपको सीरम के बाद मॉइस्चराइजर के बारे में बताऊंगी, आपको बताऊंगी कि आपके विंटर्स के लिए कौन सा मॉइस्चराइजर बेस्ट है, अगर आप मेकअप करना चाहते हैं तो आपके मेकअप के अंडर कौन सा मॉइस्चराइजर बेस्ट है, ऐसे डेली रूटीन में आप कौन सा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल बजट फ्रेंडली, आपकी जेब को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा इन मॉइस्चराइजर से। तो वीडियो के एंड तक की बने रहे, अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। पर आज मैं आपको प्यार देने वाला काम करने जा रही हूँ, आपको ऐसे मॉइस्चराइजर के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपकी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ेंगे और आपको बेस्ट स्किन प्रिपरेशन देंगे। देखिए मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बहुत से लोगों का मैंने कमेंट देखा जिन लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सीरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या मेकअप के अंडर मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जी हाँ, मॉइस्चराइजर बिल्कुल वैसा ही है जैसा खाने के बाद पानी, जैसे हमारी सांसें होती हैं, हम लोग लेते हैं ना, हमको ध्यान नहीं आता रहे, हम तो सांस ले रहे सांस ले रहे, पर उसका रोल बहुत बड़ा होता है। तो स्किन केयर रूटीन में मॉइस्चराइजर भी आपकी वो सांसें ही है कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मॉइस्चराइजर। आप मेकअप के अंडर अगर बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे, कभी आपका फाउंडेशन फ्लॉलेस दिखेगा ही नहीं। आप कोई भी बीबी सीसी डेली रूटीन वाला मेकअप ट्राई करते हैं और आपने अगर एक फाउंडेशन के अंडर एक अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं किया हुआ है तो आपको कभी आपका फेस फ्लॉलेस नहीं दिखेगा। और इन विंटर्स में चाहे स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, सबके लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए चलते हैं हमने बेस्ट मॉइस्चराइजर की तरफ। अब मेरा पहला मॉइस्चराइजर है मेरा ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइजर। आप सबने मेरे बहुत सारे वीडियोज में देखा होगा, अंडर मेकअप हो या मैं अपनी ब्राइड्स पे यूज करती हूँ, और आपको पता है मेरे डेली रूटीन का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बॉटल, ये मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर मैं सारे सीजन यूज करती हूँ, बट इसकी क्वांटिटी को ऊपर नीचे करती हूँ। अगर मैं समर्स में यूज कर रही हूँ तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम रहती है। कितनी, आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने मान लीजिए अभी तो विंटर्स है लेकिन मैं समर्स से स्टार्ट करती हूँ, अगर ये समर्स है तो पी साइज अमाउंट रहेगा, लेकिन यही अगर विंटर्स है तो ये अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, अप्रॉक्स इतना अमाउंट रहेगा। इसको मैं अपने फिंगर्स की टिप में बराबर कर अच्छे से एक्टिवेट करूंगी। एक्टिवेट करने के बाद पूरे फेस पे स्प्रेड करना है। स्प्रेड करके देखिए, स्प्रेड करने का तरीका आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि मॉइस्चराइजर लगाना भी एक आर्ट ही है। अगर आपने अच्छे से मॉइस्चराइजर नहीं लगाया ना तो भी आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट नहीं होगी। फिर आप इसका मसाज करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए ये एरिया बहुत ड्राई होता है, ये एरिया बहुत ड्राई होता है। जो लोग फेस वॉश करते करके आते हैं और उनकी स्किन अगर ड्राई रहती है तो उनको पता होगा ये एरिया बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, उसके बाद ये एरिया बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है और यहाँ इस जगह से स्किन निकलने लगती है, जैसे कि रूखापन होता है, खुश्की जिसको बोलते हैं वो आने लगता है, वो नार। इसके लिए आपको मॉइस्चराइजर से मसाज करना बहुत जरूरी है। भाई कितना भी बिजी शेड्यूल हो, अपनी स्किन को तो दे ही सकते हैं 2 मिनट। अच्छे से हमने मॉइस्चराइजर लगा लिया, अपनी स्किन में अब्सॉर्ब कर लिया और आप मेरे फेस पे ग्लो देख रहे होंगे। आपको खुद से समझ में आ गया होगा कि मैं कितने अच्छे और बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर की बात कर रही हूँ। ये मॉइस्चराइजर आपका अंडर 200 है, आप इमेजिन करिए सिर्फ 200 रुपए में आपको इतना प्यारा मॉइस्चराइजर मिल जाएगा। मैं इसका बिल्कुल पेड प्रमोशन नहीं करूंगी, एक्चुअली में जब इस मॉइस्चराइजर की बात आती है ना मेरे मन से इतनी तारीफें 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 निकलने लगती है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ। लोगों को लगता है भैया ये तो पक्का पेड प्रमोशन है, पर पेड प्रमोशन नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट मॉइस्चराइजर मैं आपको बताऊंगी, अगर आपकी स्किन ओवर ऑयली है, आपको एक चिपचिपा पहुंचते हैं, ये थोड़ा सा हैवी मॉइस्चराइजर है, थोड़ा सा इसको एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगता है, अप्रॉक्स 2 मिनट 1 मिनट का टाइम आराम से लग जाता है। बट आपको बहुत ही एक हल्का मॉइस्चराइजर चाहिए, एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर चाहिए, आपको आदत नहीं है एक ऐसे फ्रेग्रेंस वाले मॉइस्चराइजर की, तब आप ट्राई कर सकते हैं इंडस वैली का ब्राइटनिंग पिगमेंटेशन जेल। अगर आपको पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन में झाइयां हैं और आपको एक बहुत ही ज्यादा आयुर्वेदिक कह सकते हैं या फिर इंडियन चीजों से बना हुआ मॉइस्चराइजर चाहिए, तब आप यूज कर सकते हैं इंडस वैली का ब्राइटनिंग पिगमेंटेशन जेल। ये जेल बहुत अच्छा है, इसको भी मैं खूब अच्छे से यूज कर चुकी हूँ। ये देखिए इसकी क्वांटिटी आपको बता रही होगी मैं इसको कितने अच्छे से यूज कर चुकी हूँ। इसका भी इतना अमाउंट इनफ है, इसमें शायद ये ट्रांसपेरेंट है तो हो सकता दिख ना रहा हो, बट ये इतना अमाउंट इनफ है, इसको भी आपको सेम वैसे ही लगाना है।
और ये दोनों मॉइस्चराइजर बहुत आयुर्वेदिक हैं, बहुत सारी इंडियन हब से मिलके बने हुए हैं, तो मैं इसको एक दूसरे के ऊपर बहुत इजीली कोट भी कर सकती हूँ, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टोनर, सीरम, इन सारी चीज़ों को नहीं यूज़ करना चाहते, आपको लगता है ये टाइम टेकिंग है या बहुत लंबा है, या फिर हमारे जो 15 साल से 20 साल के टीनेजर बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें अप्लाई नहीं करना है, तो उनके लिए ये मॉइस्चराइजर बहुत बेस्ट मॉइस्चराइजर है। इसको लगाने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, पूरे फेस पे स्प्रेड करिए, अच्छे से फेस पे लगाइए और फिर इसके आने वाले ग्लो के लिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाइए। इसको आपको नेक एरिया में लगाना है, हैंड्स में बचा हुआ लगा लीजिए, पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड करके। तो मैंने दो मॉइस्चराइजर एक साथ आपको अप्लाई करके दिखा दिए हुए हैं और आप ये दोनों मॉइस्चराइजर ट्राई करके देखिए, सच में आप मॉइस्चराइजर चेंज करना भूल जाएंगे। ये दोनों बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मॉइस्चराइजर है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी खूबियों में। अगर आपकी स्किन बहुत फ्लॉलेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डेली रूटीन के लिए अच्छा सा मॉइस्चराइजर चाहिए, आपको मेकअप के अंदर यूज करने के लिए मॉइस्चराइजर चाहिए, तब आप यूज कर सकते हैं बायोटेक कम ये मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर। अगर आपको पिगमेंटेशन है, आपको एक नेचुरली ग्लोइंग मॉइस्चराइजर चाहिए, अपनी स्किन को पैम्पर करना चाहते हैं, आपकी एज 15 से 20 साल के बीच है, तब आप यूज कर सकते हैं इंडस वैली का पिगमेंटेशन ब्राइटनिंग जेल। ये जेल आपके बहुत परफेक्शन के साथ आपकी स्किन में पेनिट्रेट होगा और आपके जो ताम झाम है ना उनसे भी आपको बचा देगा। तो आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रूटीन में। अगर आप विंटर्स के लिए बेस्ट सीरम जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पे जाके आप चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने दो बहुत अमेजिंग सीरम के बारे में बात करी है। तो बिल्कुल वीडियो को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये आपके काम की बात है, तो जाइए वो वीडियो भी चेकआउट करिए, इस वीडियो पे भी ढेर सारा अपना प्यार दीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बगैर तो बिल्कुल कहीं हिलिएगा भी नहीं, और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आप मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।